सिटी से देखने पर ये कुछ ऐसा दिखता है। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा की। 3 किलोमीटर नीचे जाने के बाद हम पहुंच जाते हैं मेडिकल कॉलेज के गेट पर। यह अभी कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि यह स्टार्ट हुआ था 2021 में। यहाँ पे इसकी बिल्डिंग अभी बनी रही है। ये सामने एग्जामिनेशन हॉल बन रहा है और वो सामने जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। ये मेन बिल्डिंग है जिसमें लेक्चर थिएटर्स, हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारी लाइब्रेरी सभी इसी में इंक्लूडेड है। बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखने में एकदम मस्त, एकदम नई लग रही है। और यहाँ से हमारे लेक्चर थिएटर और लाइब्रेरी का रास्ता है। ये हमारा ओपन थिएटर है जहाँ हमारे छोटे मोटे प्रोग्राम और हमारे सारे फंक्शंस यहीं पर होते हैं। यहाँ से हम चले जाते हैं अंदर लेक्चर थिएटर। यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं और ऊपर लेक्चर थिएटर है, इसके ऊपर फ्लोर पे भी और उसके ऊपर फ्लोर पे भी दो दो लेक्चर थिएटर हैं। ये कॉरिडोर है, यहाँ पे लिफ्ट भी अवेलेबल है। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी दो लेक्चर थिएटर्स हैं। अब हम चलते हैं लेक्चर थिएटर के अंदर, तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा LT 120। पीपल आराम से इसमें बैठ सकते हैं, 120 लोगों की इसकी कैपेसिटी है। फुल्ली सेंट्रलाइज्ड एसी है, स्पीकर्स अवेलेबल हैं, स्मार्ट पैनल भी अवेलेबल है। बात करें लाइब्रेरी की तो लाइब्रेरी 3 जोन में बटी हुई। पहली जहाँ से हम अपनी बुक्स इशू करा सकते हैं, ये हमारा फैकल्टी एरिया है जहाँ फैकल्टी बैठ के पढ़ती है, और ये हमारा कंप्यूटराइज्ड एरिया है जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी है। बात करें एनाटॉमी डिपार्टमेंट की, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है। ये हमारा डाइसेक्शन हॉल भी इसी ग्राउंड फ्लोर पे है और आराम से 120 बच्चे भी इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग कैडेवर मिलता है, उस पर हम काम करते हैं, और बाहर खिड़की से ऐसा कुछ हमें व्यू देखने को मिलता है हमारे डाइसेक्शन हॉल से। इसी के जस्ट ऊपर सेकंड फ्लोर पे हिस्टोलॉजी लैब है। यहाँ सीढ़ियों से जाने पर हम पहुँच जाते हैं अपने हिस्टो लैब के सामने, और इस कॉरिडोर से अंदर एंटर करते ही हमारे सामने होती है हमारी हिस्टोलॉजी लैब। देखने में एकदम हाईटेक जैसी लैब लगती है। सारी स्लाइड्स अवेलेबल हैं, सारी माइक्रोस्कोप सब अच्छे से काम करती हैं। इसमें वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये माइक्रोस्कोप है। ये हमारा एनाटॉमी का म्यूजियम है जहाँ पे हमारे सारे मॉडल्स रखे हुए हैं। और हम बात करते हैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ से हम एंटर करते हैं। एंटर करते ही हमारे सामने सबसे पहले आ जाती है हमारी हीमैट लैब। ये भी एकदम हाईटेक लैब जैसी दिखती है। इसमें भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आराम से हम इसमें अच्छे से अपना काम कर कर। इसी की साइड में हमारी क्लिनिकल लैब, इसमें भी हमारे सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं जहाँ हम सारे अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाते हैं काफ़ी अच्छे से, और हाँ हमारा रिजल्ट भी अच्छा आता है प्रैक्टिकल्स का। अब ओपन थिएटर से बात करें तो ये सीढ़ियाँ हैं जो हमारे कैंपस को, मतलब लेक्चर थिएटर्स को कनेक्ट कराती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से। यहीं पे राइट जाने पे हमारा बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट आ जाता है। हमारी बायोकेमिस्ट्री की लैब है जहाँ हम बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। सारे केमिकल्स अवेलेबल हैं, सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं और एकदम नए हैं, बिल्कुल 2021 में कॉलेज ओपन हुआ है। तो बात करें बॉयज़ हॉस्टल से, तो कैंपस की बिल्डिंग से बॉयज़ हॉस्टल का व्यू कुछ ऐसा हमें दिखता है। ये बॉयज़ हॉस्टल 1 है, इसी के पीछे बॉयज़ हॉस्टल 2 है और बॉयज़ हॉस्टल 3 अंडर कंस्ट्रक्शन है जो भी बन रहा है। ये हमारा रास्ता है कैंपस से नीचे बॉयज़ हॉस्टल जाने का, और इसी की साइड में हमारा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है अल्मोड़ा का, जो अभी 2021 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे हॉस्टल में एंटर करने, तो हमें एंटर करते ही सामने एक कॉरिडोर देखने को मिलता है। यहीं पे सामने खाली स्पेस है, साइड में हमारा वाटर कूलर है जहाँ हमें कोल्ड एंड हॉट वाटर मिल जाता है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, ऊपर पहुँचते हैं। ये 2 कॉरिडोर हैं, एक फ्लोर पे 8 रूम हैं, एक विंग में 4। लिफ्ट भी अवेलेबल है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और यहीं के साइड में हम बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल 2 भी कनेक्ट है। हॉस्टल 1 का फर्स्ट फ्लोर हॉस्टल 2 के सेकंड फ्लोर से कनेक्ट। पीछे हॉस्टल 3 बन रहा है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हम रूम की बात करें तो रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, हमें सारा फर्नीचर एकदम नया दिया गया था। अलमीरा, टेबल, चेयर, बेड, मेट्रस एकदम कम्प्लीटली नया है सब कुछ। अब हम बात करें अगर बालकनी की, तो हम बालकनी का व्यू कुछ यहाँ से ऐसा दिखता है जिसका आप आराम से बैठ के आनंद ले सकते हैं।
हॉस्टल वन के ग्राउंड फ्लोर पे ही मेस है, जिसकी कैपेसिटी आराम से 40-50% एक बार में खाना खा सकते हैं। खाना भी मतलब एवरेज है, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं कहूँगा मैं। घर का तो घर का ही होता है यार, बाहर तो ऐसे मिल जाता है बस। एक LED स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ गाना देखते हुए हम खाना खा लेते हैं। ये वही हॉस्टल से कैंपस जाने का रास्ता, एकदम 45 डिग्री। स्पोर्ट्स की बात करें तो हमारे पास एक आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट है। बास्केटबॉल का प्रॉपर कोर्ट नहीं है हमारे पास, सिर्फ बास्केटबॉल के पोल्स हैं जो कैंपस में ही लगे हुए हैं। ये हमारा वॉलीबॉल कोर्ट है, जिसे हम मल्टीपर्पज यूज़ कर लेते हैं। क्रिकेट, टग ऑफ वॉर, सारे कॉम्पिटिशन इसी में हुए थे। और टेबल टेनिस अवेलेबल है एडमिन ब्लॉक में भी और बॉयज़ हॉस्टल में भी। बात क्या है कि जो बेस हॉस्पिटल हमारा कनेक्ट है वो थोड़ा यहाँ से दूर है, यहीं पे इसी बीच में एक आपको बिल्डिंग दिखेगी। उसके लिए कॉलेज के पास अपनी खुद की बस अवेलेबल हैं, जो कि क्लिनिकल पोस्टिंग्स पे जिनकी ड्यूटी लगती है और लाने ले जाने के लिए काम करती है।